अजीत सर थोड़ा सलाह और प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जिस वक्त सूरज निकलता है तो हमें लाल नजर आता है, उसी तरह बच्चों जिस तरह सूरज निकलने का असर इंसानों पर होता है उसी तरह जानवरों पर भी और नवादात पर भी सूरज निकलने का असर होता है। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि जिस वक्त सूरज निकलता है तो हर तरफ रोशनी छा जाती है। प्यारे बच्चों हमारी जो नज़्म है जिसका नाम है रंगों का है बड़ा कमाल, इस नज़्म में शायर ने मुख्तलिफ पौधों से और जानवरों और परिंदों से हमें वाकिफ कराया है। प्यारे बच्चों हमारी इस नज़्म में सरसों का जिक्र आया है कि जिस वक्त सरसों फूलती है तो हमें पीली पीली नजर आती है, उसी तरह बच्चों अलसी का भी जिक्र आया है कि जिस वक्त अलसी का फूल खिलता है तो हमें नीला नजर आता है, उसी तरह बच्चों हमारी इस नज़्म में चने का भी जिक्र आया है कि चना हरा हरा नजर आता है, उसी तरह बच्चों हमारी इस नज़्म में मोगरे का भी जिक्र आया है कि मोगरे का फूल बहुत प्यारा और भला नजर आता है क्योंकि उसका रंग सफ़ेद होता है, उसी तरह बच्चों हमारी इस नज़्म में कौवे का भी जिक्र आया है, कौवे का रंग काला होता है। प्यारे बच्चों शायर ने हमें कुदरत की नज़्म में कुदरत के मुख्तलिफ नज़ारों से हमें वाकिफ कराया।